अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखे हुए होंगे। एक बहुत लंबे गैप से हम लोग नहीं मिल पाए कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कॉमन और बहुत मजेदार टॉपिक लेकर के आई हूँ जो सब लोगों के लिए यूजफुल है, चाहे वो लॉ बैकग्राउंड से है या लॉ की स्टडी कर रहा है या नहीं कर रहा, सब लोगों के लिए ये बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आप लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा और आपको चीजें पता लगेंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है RTI Act 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में सभी लोगों ने सुना हुआ है, चाहे वो लॉ बैकग्राउंड से है या नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है या आरटीआई एक ऐसी चीज है जो सभी लोगों के लिए यूजफुल होती है, हर एक सिटीजन जो इंडिया का है। अब हम बातें करते हैं आरटीआई एक्ट क्या है। सबसे पहले हम बातें करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखिए, कोई भी एक्ट है तो हमें सबसे पहले उसका मोटिव या ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि इस एक्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों लाया गया। अभी ये ज्यादा पुराना एक्ट नहीं है, 2005 में आया था। अदरवाइज बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जो बहुत पुराने पुराने हैं, जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन आरटीआई एक्ट 2005 ईयर में आया था। ऐसी क्या रिक्वायरमेंट लगी इसकी कि इसे इंट्रोड्यूस करना पड़ा। हम बातें करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की, भाई क्या रीजन था, क्या मोटिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था कि आरटीआई एक्ट को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा, राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, देखिए ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव हमारे सामने है इंडियन सिटीजन, एवरी इंडियन सिटीजन, एवरी इंडियन सिटीजन शेल एंटाइटल टू सीक इंफॉर्मेशन। यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज की हुई हैं, मैं पूरा बोर्ड आप लोगों के लिए लीव कर रही हूँ सो दैट कि आप पूरा कंटेंट एक बार अच्छे से रीड कर पाए। देखिए ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव एवरी इंडियन सिटीजन, आई सी मीन्स इंडियन सिटीजन, एवरी इंडियन सिटीजन शेल एंटाइटल टू सीक इंफॉर्मेशन, फ्रॉम। यहां फिर एक शॉर्ट फॉर्म आपके सामने आई, PA, पब्लिक अथॉरिटी, शेल एंटाइटल टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, देखिए आप लोग जो मैं नोट कर रही हूँ शॉर्ट फॉर्म की एक्सटेंडेड फॉर्म, वो एक्सटेंडेड मीनिंग आप यहाँ नोट करते चलिएगा मेरे साथ साथ में, ठीक है, तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ आएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। एवरी इंडियन सिटीजन शेल एंटाइटल टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। अब पब्लिक अथॉरिटी से क्यों एंटाइटल है एक इंडियन सिटीजन इंफॉर्मेशन सीक करने के लिए, टू प्रमोट TA। नाउ एक्सटेंडेड फॉर्म है TA का, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मैं यहां लिख रही हूं, आप साथ साथ में नोट करिएगा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। हो सकता है मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं साथ साथ में डिक्टेट कर रही हूँ तो आपको इजी रहेगा नोट करने में, ठीक है। आई रिपीट, ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट, एवरी इंडियन सिटीजन शेल एंटाइटल टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। हर एक इंडियन सिटीजन एंटाइटल है टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी सो दैट कि ये प्रमोट कर पाए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है जी। सो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए हर एक इंडियन सिटीजन को ये राइट है कि वो इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी से सीख कर सकता है। बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिस इंफॉर्मेशन को एक इंडियन सिटीजन एंटाइटल है पब्लिक अथॉरिटी से सीख करने के लिए। यहाँ बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन
जो टर्म है वो इस एप में सेक्शन 2F के अंदर दी गई है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सेक्शन 2F इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है। इंफॉर्मेशन मीन्स एक्ट में लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, कोई भी मटेरियल, इट मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूड करता है, कोई भी मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो सकता है और वो इंक्लूड करता है आर डी ओ ए। ये मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं, मैं जब अपने टाइम में स्टडी किया करती थी तो मैं इसी तरीके से स्टडी किया करती थी शॉर्ट फॉर्म बना करके। आप लोग किस तरीके से करते हैं वो आप लोगों का तरीका होगा, बट मेरा तरीका हो सकता है किसी ना किसी स्टूडेंट के काम आ सके, ठीक है। तो मेरा मोटिव है कि मैं अपने तरीके से आप लोगों को अगर बता रही हूँ तो वो शॉर्ट फॉर्म की आप लोग थोड़ी सी हैबिट डालें, सो दैट कि आपको एग्जाम्स के अंदर में थोड़ी चीजें रिकॉल होना स्टार्ट हो जाए, राइट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो एक इंडियन सिटीजन सीख कर सकता है पब्लिक अथॉरिटी से, उस इंफॉर्मेशन में कोई भी फॉर्म, कोई भी मटेरियल इंक्लूड हो सकता है। और इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आर मींस रिकॉर्ड्स, मैं साथ साथ में डिक्टेट कर रही हूं, आप प्लीज नोट करते चलिएगा। डी मींस डॉक्यूमेंट्स, ओ मींस ओपिनियन, एंड हेयर ए मींस एडवाइस, राइट। नाउ नेक्स्ट हम चले, इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड हो सकती है, कोई सर्कुलर भी हो सकता है, कोई सर्कुलर भी हो सकता है, या फिर कोई ऑर्डर भी हो सकता है, कोई मेमो भी हो सकता है। यहां जो मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है उन्हीं का ये एक्सटेंडेड फॉर्म में बता रही हूं, कोई प्रेस रिलीज भी हो सकता है, ठीक है जी। ये इंफॉर्मेशन में सारी चीजें इंक्लूड है, ठीक है। अब यहां पर शॉर्ट फॉर्म आ गई है, आर मींस रिपोर्ट्स एंड एस मींस सैंपल, एस मींस सैंपल, एम मींस मटेरियल, राइट। अब यहां लास्ट में कुछ लिखा हुआ है, एक्सेसिबल बाय पीए यानी कि पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी प्राइवेट बॉडी से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, ये तो सब इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई अदर इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड हो किसी प्राइवेट बॉडी से, विच कैन बी एक्सेसिबल बाय पब्लिक अथॉरिटी, मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्राइवेट बॉडी से रिलेटेड हो, विच कैन बी एक्सेस्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, वो भी इंफॉर्मेशन यहां पर ली जा सकती है सेक्शन 2F के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। अब बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन में हम सेक्शन 2J को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। सेक्शन 2J में हम पढ़ रहे हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन में किस तरीके से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। देखिए, इंस्पेक्शन की जा सकती है वर्क की, W स्टैंड्स फॉर वर्क, D स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट, R स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड्स। इंस्पेक्शन की जा सकती है राइट टू इंफॉर्मेशन सेक्शन 2J के अकॉर्डिंग, इंस्पेक्शन की जा सकती है किसी भी वर्क की, डॉक्यूमेंट्स की, रिकॉर्ड्स की। एंड राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर कैन बी टेक एज नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स, सर्टिफाइड कॉपीज एंड टेकिंग सैंपल्स ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल का जो सैंपल है उसको भी लिया जा सकता है, ठीक है। नोट्स भी ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट्स भी ले सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ ऑब्टेन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कैसे, बाय डिस्क, फ्लॉपी, टेप, कैसेट्स, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, ठीक है जी। तो कोई भी मेथड हो सकता है जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जा सकती है, डिस्क के थ्रू, फ्लॉपीज के थ्रू, टेप्स के थ्रू, कैसेट्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। सो ये राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर में आपका सब आता है सेक्शन 2J में। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी का, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है थर्ड पार्टी सेक्शन 2N, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है। देखिए, थर्ड पार्टी में अगर हम बात करें कि थर्ड पार्टी का वही क्या यहाँ पर रोल आ गया है, कि थर्ड पार्टी कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो सीक करने का राइट रखती है, बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है जो थर्ड पार्टी के पास में राइट होता है कि वो ले सके,
फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपने फैमिली मेंबर्स की टिकट रिजर्व करवाई है तो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर हम किसी से पूछ रहे हैं तो वो हम थर्ड पार्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, ठीक है जी। अगर हम पब्लिक अथॉरिटी से अपनी फैमिली मेंबर्स की टिकट्स का रिजर्वेशन का कंफर्मेशन ले रहे हैं तो वो कहां पर आएगा? एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, थर्ड पार्टी सेक्शन 2N के अंदर में आएगा, ठीक है जी। कोई एक पर्सन किसी अदर पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकता है एक्सेप्ट वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए या कोई प्राइवेट डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल बैंक डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, आप किसी की बैंक डिटेल लेने जाएंगे तो वहां पर आपको कोई भी बैंक किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके की डिटेल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ बहुत बेसिक चीजें हैं जैसे कि कोई टिकट को कंफर्मेशन लेना है, छोटी मोटी चीजें हम लोग थर्ड पार्टी से रिलेटेड पूछ सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर के टिकट्स के बारे में कंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। अब यहाँ हम फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है सेक्शन थ्री में क्या आता है, कौन से ऐसे पर्सन है, हम बात तो कर रहे हैं कि RTI में कोई भी पर्सन इन्फॉर्मेशन ले सकता है पब्लिक अथॉरिटी से। अब यहाँ पर कौन से ऐसे लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वो सेक्शन थ्री बताते हैं। सेक्शन थ्री बताता है ऑल पर्सन एंटाइटल्ड टू RTI। सेक्शन थ्री क्या कहता है? ऑल पर्सन एंटाइटल्ड टू RTI, ऑल इंडियन सिटीजन्स एंटाइटल्ड सबके पास राइट है कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन उनके पास में सबके पास में है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर बताई गई है ये पब्लिक अथॉरिटी से सीख कर पाए, ठीक है जी। अब हम लास्ट आज का अपना टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक अथॉरिटी के बारे में। हम लोग बार बार बातें कर रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं हम लोग, ये पब्लिक अथॉरिटी कौन है, किसे हम पब्लिक अथॉरिटी का नाम दे रहे हैं। देखिए सेक्शन 5 बात करता है PIO के बारे में। PIO यानी कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, PIO यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, PIO यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मैं यहां पर लिख रही हूं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO। देखिए पब्लिक एंड असिस्टेंट, यहां पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की अगर हम बात करें तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर किसको कहा गया है? Every public authority, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, every public authority shall designate as public officer and public assistant officer। हर एक public authority को designate किया गया है as public information officer या फिर public assistant officer। As may be prescribed under law, right? So यहां पर public information officer public को assist करेंगे और उनको provide करेंगे information, assistance देंगे हर उस person को जो भी उनके पास information seek करने आएगा, right? अगर कोई भी ऐसा person है जो orally information लेना चाहता है writing को reduce करने के लिए तो उसको भी रीजनेबल असिस्टेंस पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर देंगे, राइट? तो जो भी पर्सन इंफॉर्मेशन लेने आ रहा है उस पर्सन को पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर प्रोवाइड करेंगे असिस्टेंस, और अगर कोई ओरली इंफॉर्मेशन लेना चाहता है राइटिंग को रिड्यूस करने के लिए तो उसको रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी, जो भी इंफॉर्मेशन वो लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड। और साथ ही साथ ये भी बहुत अच्छी बात है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ये डिमांड नहीं कर सकते कि तुम ये इंफॉर्मेशन क्यों जानना चाहते हो किसी भी पर्सन से। देखिए कितना मतलब अच्छा एडवांटेज दिया है लॉ ने इंडियन सिटीजन्स को, बहुत अच्छी चीज की है कि कोई भी इंडियन सिटीजन किसी पब्लिक अथॉरिटी से
कोई इन्फॉर्मेशन सीख कर सकता है, और पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो डिमांड नहीं कर सकता कि तुम मुझे रीजन बताओ कि ये इन्फॉर्मेशन तुम क्यों लेना चाहते हो। कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा बेनिफिट है सोचो सब लोगों के लिए। PIO can't demand reason behind seeking information, except, यहाँ पर भी exception है, except reasonable. अगर कोई ऐसी sensitive information किसी के बारे में कोई जानना चाह रहा है, तो उसके अलावा किसी भी information के लिए कोई PIO reason नहीं demand कर सकते हैं। लेकिन जहां पर उनको लगता है कि reasonable है, यहां पूछना चाहिए सामने वाले पर्सन से कि आप ये इन्फॉर्मेशन क्यों लेना चाहते हैं, वहां पर वो रीजन पूछेंगे। अदरवाइज जनरल केसेस में वो रीजन नहीं पूछेंगे किसी भी पर्सन से अगर कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास लेने जा रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था आज का हमारा। होपफुली आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं कुछ सेकेंड्स के लिए आपके लिए जो व्हाइट बोर्ड है उसको ब्लैंक छोड़ूंगी, सो दैट कि आप लोग नोट डाउन कर ले अगर आपका कुछ मिस हो गया हो तो। होपफुली आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। अब बाकी के जो टॉपिक्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, छोटे छोटे जो टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या इस ऐप से रिलेटेड, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।